आज दिवाली के पावन पर्व पर मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सभी हलका वासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये त्यौहार हम सब के लिए मंगलमय हो, हम और हमारे बच्चे दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। और ये बात सभी जानते हैं कि दिवाली के त्यौहार का हमारे हिंदू धर्म में, हमारे भारतवर्ष में कितना महत्व है। जैसा कि सभी जानते हैं कि आज के दिन भगवान राम 14 वर्षों का वनवास काट के वापिस अयोध्या नगरी में आए थे और आज के दिन ही श्री गुरु हरगोविंद साहब जी मुगलों की कैद से छूट करके वापिस आए थे। तो इसीलिए ये दिन हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और आज का दिन हमें सद्भावना के साथ, शांति के साथ, आपस में प्रेम प्यार से, उल्लास से मनाना चाहिए। और एक मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी जानते हैं कि अभी अभी जो पीछे, अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया और उससे हम भी अछूते नहीं रहे। हमारे प्रांत में और विशेष तौर पर अगर मैं जिक्र करूँ हांसी शहर का, मेरे हांसी हल्के का, बहुत से हमारे भाई परमपिता परमात्मा को प्यारे हो गए। आज हमने जहां दिवाली का त्यौहार बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाना है, वहां हमें कोरोना बीमारी का भी ध्यान रखना है। ये बात सही है कि परमपिता परमात्मा की कृपा से आज हम कोरोना से लगभग मुक्त हो गए हैं, मगर फिर भी इससे मैं कहूँगा कि इससे बचाव रखना बड़ा ज़रूरी है। ज़्यादा भीड़ भाड़ भी ना करें और कोरोना की जो भी हिदायतें सरकार द्वारा जारी की गई हैं उनको भी नज़र में रखें। और एक जो हमारा विशेष तौर पे पोल्यूशन पे कंट्रोल है, क्योंकि सही मायने में सारी बीमारियों की जड़ पोल्यूशन है और हमारा अगर दूषित वातावरण होता है तो निश्चित तौर पर बीमारियाँ आती हैं। तो मैं विशेष तौर से बच्चों से कहना चाहूँगा के पटाखों का भी, आतिशबाजियों का कम से कम प्रयोग करें। इन्हीं सब बातों के साथ आप सबका मैं धन्यवाद भी करता हूं और एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमेशा खुश रहो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।